हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस, आपके लिए ढेर सारे सरप्राइज भी हैं और बैड न्यूज भी है। एक हेलो गाइस, आपको एक बैड न्यूज भी बताते हैं। आइए, तो हमारे सारे कबूतर एक एक करके बाल निकाल रहे हैं। बस तो गाइस, हमारी गीता ने एक अंडा दे दिया होता है, ये एक अंडा कल दे देगी और देख सकते हो कैसे मस्त मगन होकर बैठी हुई है। तो गाइस, आपके लिए खुशखबरी ये है, हमारी ताका की कबूतरी ने एक अंडे में से एक बच्चा निकाल दिया होता है और एक बच्चा निकल आएगा। देख सकते हो कितना छोटा प्यारा है, बहुत ही बच्चा प्यारा बच्चा है। गाइस, हमारी सरेटिया की कबूतरी देख सकते हो कैसे मस्त मगन होकर अंडा सेक रही होती है, इसको अंडा सेकने देते हैं। तो गाइस देख सकते हो, हमने अपने छल्ले फैला दिए सुल्तान को, देख सकते हो कैसा लग रहा है, काफ़ी प्यारा लग रहा है। देख सकते हो कितनी मस्त टहल रहा है इधर से उधर। तो गाइस, हमने तभी देखा हमारी एक कबूतरी सुस्त हो गई है, पता नहीं इसको क्या हो गया है। देख सकते हो कैसे बैठी हुई है, कमेंट में ज़रूर बताना क्या हो गया है इसको। तो और हमारे सारे परिंदे मस्त इधर से उधर टहल रहे होते हैं और कुछ मिट्टी भी खा रहे होते हैं। हम इसको चाय पत्ती का पानी देने वाले हैं, इस कबूतरी को जो सुस्त बैठी हुई है। तो गाइस, हमने एक पानी पत्ती अपनी कबूतरी भी मंगवाई है, वो चुंग रही है। देख सकते हो मिट्टी कैसे चुंग रही होती है, कमेंट में इसका शौक कराएंगे आपको। फिर क्या, मेरे भाई ने डाल दिया दाना इसको पकड़ने के लिए, फिर क्या ये हाथ में आ गई। तो गाइस देख सकते हो कैसी बढ़िया मस्त कबूतरी है, अनारी आंखों की कबूतरी है। देख सकते हो कुछ इसके पर भी दिखाएंगे आपको, देख सकते हो काफ़ी प्यारे पर हैं। हमने इसके कैंची मार दी है ताकि हमारे छत पे हिल जाएगी। तो गाइस पूंछ देख सकते हो कुछ ऐसी है इसकी। तो गाइस, हमारा चाय पत्ती का पानी आ चुका है, देख सकते हो खोला के इसको चाय पत्ती डाल देना है पानी में। आपका कोई भी कबूतर सुस्त हो तो चाय पत्ती डाल देना पानी में, खोला देना। अभी अपने सभी कबूतरों को पिला देना, कौन सा भी सुस्त हो ठीक हो जाएगा। तभी देखा हमारी एक कबूतरी उड़ गई है, फिर क्या वो उड़ने लगी। देख सकते हो कैसे इधर से उधर उड़ रही है और कोहरा बहुत हो रहा है, मौसम खराब है। फिर क्या हम इसको उतारने लग गए, आ गई, देख सकते हो आ गई फिर क्या। तो गाइस, हमारे सारे कबूतर दाने के लिए इंतजार में बैठे हुए हैं, देख सकते हो इधर से उधर टहल रहे होते हैं। तो गाइस, हमने इसको पानी कर दिया इसमें क्योंकि ठंडा हो जाए, काफी गर्म पानी है, अभी नहीं देने वाले हैं हम इनको। तो गाइस, हमने अपना पानी रख दिया होता है और हमारे कबूतर एक एक करके पी रहे होते हैं, देख सकते हो पी के जा रही है पानी अभी। तो गाइस, हमारे सफ़ेद वाले कबूतर ने भी पानी पी लिया होता है, एक एक करके सारे कबूतर पानी पी रहे हैं। और ये मकोई तो पता नहीं इसको क्या हो गया, मट्टी खाती रहती है इधर से उधर, देख सकते हो किधर जा रही है। क्या मेरा भाई ने इसको इधर कर दिया, देख सकते हो तब भी नहीं मानती है, ये इधर से उधर भाजती रहती है, अब इधर चल दी, देख सकते हो। तो गाइस देख सकते हो ये कबूतरी है जो सुस्त हो रही है, हमारी मकोई कबूतरी है, देख सकते हो। हम इसको पानी देने वाले हैं, उसका मेरे भाई ने सिरंज में पानी भर लिया है चाय पत्ती का, इसको देने वाले हैं, फिर क्या देने लग गए। तो गाइस देख सकते हो मकोई कैसे मट्टी खाने में लगी हुई है और हम आके इसको बजाने लग गए इधर से, तब भी ये नहीं मानती है। तो बाहर आते ही हमने देखा हमारे सारे कबूतर मस्त टहल रहे होते हैं, देख सकते हो हमने मट्टी डाल दी है, देखो कैसे खा रहे होते हैं। तो हमने अपने सारे कबूतरों को पजेब पहना दी होती है, देख सकते हो मकोई कैसी लग रही है, मस्त मगन होके, देख सकते हो काफ़ी प्यारी लग रही है। हमने सारे कबूतरों को पजेब पहना दिए अपनी, देख सकते हो कैसे मट्टी में लगे हुए हैं खाने में। एक या सुल्तान ने तो अपना राज ही कर लिया है पानी पर, यह किसी को चढ़ने ही नहीं दे रहा है ऊपर, देख सकते हो कैसे मार रहा है मकोई को। तो गाइस, हमारे दो कबूतर छतरी पे बैठ चुके हैं, देख सकते हो कैसे बैठे हुए हैं, फिर क्या ये नीचे आने लग गए। तो गाइस देख सकते हो हमारे दो कबूतर वहां जाके मट्टी खा रहे हैं, दोनों के दोनों कैसे लगे पड़े हुए हैं मट्टी खाने में। तो गाइस, हम अपना खुड्डा बड़ा करने वाले हैं, काफी छोटा खुड्डा है, उसके लिए हम ईंटें लेके आ चुके हैं और मट्टी लाना अभी बाकी है। हम खेत पर जाएंगे, वहां से मट्टी लेके आएंगे। आई होप आपको ब्लॉग अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं नए दूसरे पार्ट में, तब तक के लिए बाय।